बिग बॉस 14 के घर में आज लगी थी बीबी अदालत, जो सिर्फ अदालत नहीं बल्कि एक नॉमिनेशन टास्क था, जहां फराह खान बनी थी जज और जर्नलिस्ट चारुल मलिक और अमित त्यागी बने थे वकील। बीबी अदालत में गार्डन एरिया में लगे कटघरे में हर एक कंटेस्टेंट को बुला के दोनों ही जर्नलिस्ट उनसे सवाल पूछेंगे और सिलसिला खत्म होने के बाद चारुल मलिक और अमित त्यागी ये तय करेंगे किसके जवाब उन्हें सेटिस्फाइंग नहीं लगे और उसे वे नॉमिनेट करेंगे। और अगर दोनों जर्नलिस्ट अलग अलग कंटेस्टेंट को नॉमिनेट करना चाहेंगे तो फिर फराह खान फाइनल फैसला लेंगी। इसी प्रक्रिया के दौरान सारे कंटेस्टेंट्स को कटघरे में बुला के उनसे सवाल जवाब कम और उनको ये ज्यादा बताया गया कि उस कंटेस्टेंट ने अब तक इस गेम में जो भी किया है वो उसके लिए कितना अच्छा है और कितना बुरा। वहीं हर एक कंटेस्टेंट को फराह खान द्वारा सलाह भी दी गई कि अब आगे जाके ये पकाऊ ड्रामा बंद करे और बिग बॉस सीजन 14 में कुछ एंटरटेनमेंट लेके आए। जहां जैस्मिन, निकी, एजाज और राहुल को ये भी बताया कि बाहर आपको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं लेकिन कभी कभी आप लोग बहुत बोर करते हो। रूबीना को भी बताया कि आप टास्क में बहुत एंटरटेन करती है लेकिन उसके अलावा प्लीज इरिटेट मत कीजिए। वहीं अभिनव को भी सलाह दी कि अब घर घर खेलना बंद करो और किचन एरिया से थोड़ा बाहर निकलो। वहीं पवित्रा और एजाज को अपनी लव स्टोरी आगे बढ़ाने के लिए फोर्स भी किया। फिर निकी और जान को एक दूसरे से अलग रह के अपना गेम खेलने के लिए भी कहा। जहां फराह खान खतरों के खिलाड़ी मेड इन इंडिया से अली और जैस्मिन को जानती है, तभी जैस्मिन को फराह ने बताया कि खतरों में तुम कितनी एंटरटेनिंग थी, यहां पे बोर क्यों कर रही हो। फिर ऐसे ही नॉमिनेशन टास्क का सिलसिला खत्म हुआ और बीबी अदालत के एंड में दोनों जर्नलिस्ट ने एक साथ शार्दुल पंडित को नॉमिनेट किया क्योंकि उनके जवाब उन्हें सेटिस्फाइंग नहीं लगे। फिर शार्दुल को कहा कि ये पूरा हफ्ता है तुम्हारे पास, प्लीज हमें एंटरटेन करना और अपने आप को बचा लेना। तो व्यूअर्स, क्या आप एक्साइटेड है बीबी अदालत के लिए? प्लीज कमेंट योर व्यूज।